हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिक टेक में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे ही रहोगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बोर्ड का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक होल्डर, एक स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें साइड वाला हमारा इंडिकेटर है और बीच में स्विच है, एक होल्डर है। दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता है। दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हमें स्विच से इंडिकेटर में आपस में शॉर्ट कर देना है एक टर्मिनल को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक वायर को ले लिया है, रेड वायर को, वायर को छीन लिया है मेजरमेंट करके। दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आपको छीन लेना है वायर को और यहाँ पे इंडिकेटर से स्विच में शॉर्ट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे टर्मिनल को। जैसा कि हमने जोड़ दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। दोस्तों अब हम स्विच से होल्डर में कनेक्शन करेंगे, जो ऑन ऑफ करने के लिए होगा। दोस्तों तो हम होल्डर के किसी एक टर्मिनल में एक वायर के टुकड़े को टाइट कर देंगे छील के। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लेयर को निकाल लिया है वायर के। दूसरा सिरा हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में टाइट कर देंगे। दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों अब दोस्तों हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, तो न्यूट्रल का कनेक्शन बचे हुए होल्डर के पॉइंट से इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ देंगे। दोस्तों तो हम फटाफट जोड़ देते हैं। दोस्तों हम इसमें ब्लैक वायर लिया है न्यूट्रल में, आप कोई भी वायर ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। अब हम इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट में दे देंगे बचे हुए टर्मिनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया है और एक वायर को हम बाहर निकाल देंगे यहीं से जोड़ के। दोस्तों जो एसी 220 वोल्ट देना होगा दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट, जिसी तरीके से हमने फेस का लाइन निकाल दिया दोस्तों रेड वायर को, उसी तरीके से ब्लैक वायर को निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बोर्ड का वायरिंग किया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसानी से घर पर बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये होगा हमारा न्यूट्रल फेस लाइन हो गया। दोस्तों अब इसे हम बॉक्स में टाइट करेंगे। दोस्तों तो बॉक्स में कुछ अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में हम पेज को निकाल लें, पहले हमें वायर को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से, तो हमने बॉक्स में बोर्ड को फिट कर लिया है। दोस्तों तो इसे हम फटाफट टाइट कर लेते हैं। दोस्तों तो हमने टाइट कर लिया। दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। दोस्तों इसे हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए पहले हमें वायर को छील लेना है। दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वायर को छील लिया है, इसमें हम वायर को टाइट करेंगे लाइन देने के लिए। दोस्तों तो हमने दो वायर को ले लिया है और इसमें लाइन देंगे। दोस्तों तो इस तरीके से हमने वायर को लगा दिया है, जोड़ दिया है, इस पर कुछ रख देंगे दोस्तों शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों इसमें हम लाइन देंगे, तो आप देख सकते हैं लाइन दे दिया, हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगा है। अब हम बल्ब चेक करेंगे। दोस्तों तो कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड वर्क कर रहा है। दोस्तों तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके शेयर जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में। जय